पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाई तुलसीदेवी प्रियाई केशवस्य च हे कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतये नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा हो नि नितलीला वरविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला वरविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्रीधर को उन्होंने दर्शन दिया
और अपना ऐश्वर्य दिखाया, तब महाप्रभु कहते देखो मेरा जो दर्शन है ये अव्यर्थ है, इसलिए तू मेरे से कुछ मांगो। तब श्रीधर मांगे क्या, बोले जे ब्राह्मण काड़ी नील मोर खोला पात, श्री ब्राह्मण हऊ मोर जन्मे जन्मे नाथ, जे ब्राह्मण मोर संगे करी लकंदल मोर प्रभु हऊ कतार चरण जुगल। तो श्रीधर ने भगवान से बर मांगे, बोले हे प्रभु जो ब्राह्मण ने मेरे पास से जोर जबरदस्ती केले केले का फूल केले का पत्ते को जोर जबरदस्ती मांग मांग कर लेते थे, जैसे वही प्रभु जैसे मेरे जन्म जन्मांतर में जैसे मेरे प्रभु ही बन करके रहे और उनका चरण जुगल ही मेरा जीवन का सर्वस्व। महाराज को ना यहाँ पर आसन दे, कहते जन्म जन्मांतर में मेरा जैसे वही चरण कमल ही मेरा जीवन का सब कुछ हो। तो महाप्रभु ने कहा देखो मेरा जो दर्शन है कभी अमोघ दर्शन है, मेरा दर्शन कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए मैं तुमको विश्व ब्रह्मांड का राज ऐश्वर्य में तुम्हें प्रदान करता हूँ, सारी दुनिया के तुम राजा बन जाओ। लेकिन श्रीधर ने बोले हे प्रभु मेरे को इस चीज को दे करके ठगाने का जरूरत नहीं, जैसे जन्म जन्मांतर में तुम्हारी नाम गुण जैसे गा सकता हूँ यही केवल हमें वरदान दो। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो करके महाप्रभु कहते हैं बोले एतेक तुम्हार मति भेद ना होइलो, बेद गोप्य भक्ति जोग तोरे आमि दिलो। बोले श्रीधर कहते विश्व ब्रह्मांड का राज ऐश्वर्य तुम्हें नहीं चाहिए, बोले नहीं चाहिए, मैं तुम्हें परीक्षा कर रहा था और ऐसे राज ऐश्वर्य पा करके भी जिसका मति बदली नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें वेद गोप्य जो भक्ति योग में तुम्हें प्रदान करता हूँ, है वेद गोप्य भक्ति प्रदान करता हूँ। तब यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं भैया वेद गोप्य भक्ति योग क्या है, इसलिए कथहर शब्द का कथ दो तरह का वृत्ति है, एक अज्ञरूढ़ी वृत्ति और एक विद्युत रूढ़ी व्यक्ति। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं साधारण अज्ञरूढ़ी वृत्ति मतलब होता है जो शब्द का जो साधारण अर्थ है, है जो साधारण वस्तु, साधारण लोग क्या समझते हैं हमारा जीवन का क्या लक्ष्य है, धर्म अर्थ है, जगत का धर्म करे, घर में खूब रुपया पैसा आए और रुपया पैसा खूब दान दक्षिणा दे और हमें स्वर्ग प्राप्ति हो, है हमें स्वर्ग हमें मिल जाए, नहीं तो ज्यादा है ज्यादा त्रिवर्ग तक तो लोग वहीं पर ही रह जाते, उसको ऊपर में कोई जाते ही नहीं। अगर कोई सौभाग्यवान व्यक्ति को जो चतुर्वर्ग जो मुक्ति है वो मुक्ति को ये सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वो मुक्ति चाहते हैं, लेकिन जो भक्त हैं, लेकिन जो शब्द का जो विद्वत रूढ़ी व्यक्ति है जो वास्तव अर्थ जो श्रेष्ठ अर्थ क्या है भक्तों के लिए वो क्या है, कहते विद्वत रूढ़ी वृत्ति में केवल भगवान की भक्ति को ही प्रार्थना करते हैं, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरा निबधत दुर्गम पथस्तत कवयो बदंती। इसलिए कवि लोग क्या कहते हैं बोले उठो कहते जगो, हैं बोले हम तो उठे हुए हैं, बोले नहीं हम सबके सब सोए हुए हैं, हम कोई जगे नहीं, बोले किस चीज में सोए हुए हैं, इसलिए कहते जीव जाग गोरा चंद बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले। हम लोग सबके सब माया पिशाची की गोद में हम सोए हुए, कोई हम जगे नहीं हैं। जगना तभी कहते हैं जब हम भगवान की भक्ति करें भजन करें उसको ही जगना कहते हैं, लेकिन जो विषय में जो सोए हुए हम सबके सब विषय के नशा में हम सोए हुए कोई हम जगे नहीं, इसलिए कहते उत्तिष्ठ तो बोले उठो जागो और क्या प्राप्त कर क्या
परान श्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त करो। इसलिए दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति, कवि लोग कहते हैं जो ये भक्ति का जो मार्ग है अत्यंत अत्यंत दुर्गम मार्ग है। इसलिए धर्म से तत्व निहित गुहायाम महाजन जैन गतस पंथा। इसलिए कहते जो भक्ति मार्ग है अत्यंत अत्यंत गोपनीय मार्ग ही भक्ति रास्ता है। इसलिए कहते तद वेद गुह उपनिषद अस्तु गुढ़म। इसलिए कह रहे हैं जो भक्ति मार्ग ही अत्यंत गुढ़ मार्ग है। इसलिए प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वेद वेदिया गोचर रतन वेदीर पर भजनीति किशोर किशोरी। इसलिए कहते हैं वेद विधि अगोचर रतन वेदीर पर। इसलिए कहते जो भक्ति है ना है, इसलिए त्रिगुण विषय वेदा न त्रिगुण भवार्जुन। जो वेद है त्रिगुण है, इसलिए कहते हैं अर्जुन वेद से तुम ऊपर उठो। इसलिए निगम कल्प तरुर गलितम फलम। इसलिए वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल क्या है बोले श्रीमद भागवत है। इसलिए हमें पेड़ नहीं चाहिए, हमें फल चाहिए। हमें पेड़ नहीं चाहिए, हमें फल चाहिए। फल क्या ही भागवत ये फल है। इसलिए कहते हैं कहते वेद विधि अगोचर रत्न वेदिर पर है। इसलिए भजन इति किशोर किशोरी। इसलिए क्या करनी चाहिए कहते वेद विधि के अगोचर ये भक्ति है। इसलिए न धर्मम ना धर्मम श्रुति का न निरुक्तम कील गुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मिहतन। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं भैया हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें अधर्म भी नहीं चाहिए। दोनों रास्ता को छोड़ो, ये दोनों ही गड़बड़ी है। धर्म करोगे, धर्म मतलब जगत का दान पुण्य, जैसे निर्गम महाराज ने किया है। कितना दान किया था कहते पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कहीं गिन सकते, लेकिन उनका दान को कोई नहीं गिन सकते। इसलिए गया दान दिया, क्या जो गया बच्चा नहीं देता था, नहीं बोले जो गया एक बच्चा दिया है, दुधारू गया और सिंह को स्वर्ण में बढ़वा करके, खूर को चांद में बढ़वा करके, उसको ऊपर में मखबल बल कपड़े को ओढ़ करके उन्होंने दान दिया। मतलब ऐसे उन्होंने दान दिया है? तो उनको गिरगिट क्यों बनना पड़ा था? कहते उनको फिर क्यों ये गिरगिट बनना पड़ा? इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मणा नाम गहिना गति। जो कर्म का मार्ग है ना बड़ा गहिना मार्ग है। इसलिए भैया इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं पुण्य जे सुखर नाम तार ना लयो नाम पाप पुण्य दुई परिहरी। जो स्वर्ग स्वर्ग कहते हैं ना बड़ा आनंद है, सारा दुनिया है स्वर्गीय पितामह। हम पिताजी कहाँ के स्वर्ग में गए, लोग स्वर्ग से और कुछ ज्यादा जानते नहीं। कहते सबसे बड़ा क्या है, स्वर्ग सबसे बड़ा है, है? लेकिन भक्त लोग स्वर्ग की बात छोड़ दो, भक्त लोग मोक्ष तक भी लेना नहीं चाहते। भूर भुव मोह जन तप सत्य ब्रह्म लोग है, सत्य लोग उसको ऊपर ब्रह्म लोग है, उसको ऊपर में है ब्रह्म लोग, जहाँ पर जो भगवान को निराकार निर्विशेष मान करके जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, ये ब्रह्मांड से ऊपर है। लेकिन ये ब्रह्मांड से ऊपर होने पर भी भक्त लोग उसको भी लेना नहीं चाहते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ननाक प्रश्नम न च पार मेष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम। भक्त लोगों का भाव इतना बड़ी भाव है, हैं ननाक प्रश्नम कहते स्वर्ग ले लो ले ना 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 ननाक प्रश्नम न च पार मेष्टम। अगर स्वर्ग लेना नहीं चाहते हो भैया उसको सबसे बड़े ये ब्रह्मांड का सबसे ऊंचाई जो पद है कहते परमाष्ट ब्रह्मा जी का पद लो। बोले नहीं नहीं बोले अगर उसको नहीं लेना चाहते हो बोले रसाधिपत्यम कहते उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य रसाद ले में बोले उसको ले लो। बोले नहीं नहीं कहते संपूर्ण पृथ्वी का राज्य तो बन जाओ। बोले नहीं बोले नहीं तो मुक्ति ले लो। बोले नहीं हम कुछ नहीं चाहिए, हमको तो केवल भगवान का विरह चाहिए, केवल भगवान की विरह हमें चाहिए। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कहते वेद विधि अगोचर रतन वेदिर पर भजनति किशोर किशोरी। इसलिए न धर्मम ना धर्मम श्रुतिगण युक्तम कील गुरु ब्रजे प्रचुर राधा कृष्ण परिचर्या मिहतन। इसलिए हमें ये सब चीज कुछ भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए बोले ब्रजे
राधा कृष्ण प्रचुर परिचर जामे अतनु। हम तो वृंदावन में श्री जुगल किशोर की खूब उनकी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति हार नाही मोर कालिंदीर खोले के लिए कदम बेरवाना रतन बेदीर ऊपर बसब दुजना श्याम गौरी अंगे दीवचुआ चंदने जनती किशोर किशोरी। इसलिए महाप्रभु श्री श्रीधर को कहते हैं वेद गोप्य ये धन है, राधा कृष्ण की सेवा करो, वृंदावन में उनकी सुंदर फूलों की माला से उनकी सेवा करो, हैं उनको आरती उतारो, उनको भक्त सेवा करना, यही वेद गोह्य यही वेद गोप्य यही भक्ति है। इसलिए महाप्रभु ने श्रीधर को यही प्रेम भक्ति प्रदान किया। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद बहुत अच्छी बात कहते हैं, कहते भैया जो भक्तों को समझना बड़ा कठिन है, इसलिए वैष्णव चिन्हित नारे देवेरे सकती मुई कौन जान आई अति मूढ़ मती। यहाँ पर कह रहे हैं कौन से ठीक देखो सकल सटी किसी मिली बात इसलिए यहाँ कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं वो हाँ कहते वैष्णव चिन्हित नारे देवर सकती। यहाँ पर कहते वैष्णव चिन्हित नारे कहार सकती अच्छा है सकल सिद्धि देख दुर्गति हैं। इसलिए वैष्णव चिन्हित नारे कहार सकती बहुत अच्छी बात कह रही है यहाँ पर। इसलिए वैष्णव को वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं देवता लोग भी वैष्णव को नहीं पहचान सकते हैं, हम लोग क्या वैष्णव को पहचानेंगे हैं, हम क्या पहचानेंगे जब देवता लोग नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए अच्छा है सकल सिद्धि देखे दुर्गति, उनके पास में सारे सिद्धि है लेकिन क्या दिखाई पड़ता है जैसे दुर्गति है, बड़ी दुर्गति अवस्था में। प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं वैष्णव बचना बड़ा कठिन, लेकिन साधारण लोगों का धारणा क्या है, अगर किसके पास बहुत धन होनी चाहिए है। इसलिए इसी जगत का नियम है, जब कोई व्यक्ति तभी कोई जब गुरु बनाने के लिए जाता है ना, देखना चाहता है बहुत बड़ा है मंदिर होगा उसका, बहुत बड़ा और बहुत बड़े सिंहासन में बैठा हुआ होगा, लोगों की लाइन लगी हुई होगी हैं लाइन। एक बार क्या हुआ, हमारे भक्तिवेदा नारायण गोस्वामी महाराज के पास में एक व्यक्ति आया, उनकी बहुत नाम सुना था हैं, बहुत नाम सुना था, बहुत बड़े महाराज हैं ब्रज में, बड़ा प्रसिद्ध सचमुच से हमारे गुरु जी के नाम ब्रज में बड़ा महिमा था है, बड़ी महिमा थी गुरुदेव का। इसलिए ब्रज मंडल क्षेत्र मंडल गौड़ मंडल तीन मंडल में गुरुदेव का बड़ा नाम कोई सुनता था ना, किसका शिष्य बोले भक्त नारायण गोस्वामी नारायण महाराज का, बहुत बड़े संत है, बहुत बड़े संत है। इनकी बात छोड़ दो, ब्रजवासी है ना किसी को कहते जगत गुरु कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का गुरु हम है। ब्रजवासी क्या कहते हैं, जगत का गुरु कौन है, कृष्ण का बंदे जगत गुरु, दुनिया का गुरु कृष्ण, लेकिन कृष्ण का गुरु कौन है, हम है। कृष्ण का झूठन सब खाते हैं, लेकिन हमारे झूठन कौन, कृष्ण हमारी झूठन खाते हैं, ऐसे उनका अभिमान। लेकिन ब्रजवासी लोग भी गुरुदेव को है, जहाँ पर ऊंचा गांव सारे ब्रजवासी लोग मिलकर के मथुरा के वृंदावन के नंदगांव बरसाना ये सब के सब मिलकर के गुरुदेव को है, उन्होंने क्या उपाधि दिया था, जुगाचार्य को उपाधि दिया। इतना आसानी बात नहीं, ये लोग किसको चरण में नहीं झुकते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी के चरण में सबके सब झोंके। एक व्यक्ति देखने के लिए आए, लेकिन महाराज तक तो सीधे साधे रहते हैं है? सीधे साधे रहते हैं, उनको कोई ठाड़ बाड़ नहीं, इसलिए उनके पास में जो एक खटिया था, कहते गुरुदेव ने ये मेरे खटिया देकर गए, ये खटिया मैं बदलाऊंगा नहीं। इसलिए प्रेमानंद प्रभु बोले
प्रेमानंदव रूप बोले गुरुदेव आपके लिए एक सुंदर हम हाँ बना देंगे, बढ़िया सुंदर सा घटिया बना देंगे है। लेकिन गुरुदेव ने कहा नहीं, गुरुदेव मेरे को इसी घटिया में ही मेरे को सोने के लिए आदेश दिए थे, इसको छोड़ कर के मैं दूसरे घटिया में सोऊंगा नहीं। इसलिए उसी घटिया को प्रेमानंद प्रभु ने क्या किया, उसको थोड़ी सी ठीक से अच्छे तरह से बना करके फिर उन्होंने बना दिया और उसी में ही गुरुदेव सोते थे। और उनको जाकर देखोगे साधारण बिस्तरा है, है? बिस्तरा, लेकिन उन्होंने देखने के लिए आए, सुना था महाराज का नाम, हाँ सुना, बहुत बड़े मेहनत होंगे, ठाड़ बाड़ होगा, उनको सेवा करते होंगे सास लोग, लोगों की लाइन लगी होगी उनके पास। लेकिन आ करके देखा गुरुदेव तो एकदम सीधे साधे रहते हैं, क्योंकि महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान जहाँ देखे तुष्ट हन गौर नारायण। महाप्रभु का भक्त तो बड़े सीधे साधे रहते हैं, हैं, जिसको देख करके महाप्रभु खुश होते हैं। सनातन गोस्वामी इतने कीमती कंबल ओढ़ कर गए थे, लेकिन महाप्रभु बारम्बार देख रहे थे, बारम्बार देख रहे थे। वो सनातन गोस्वामी तो साधारण है नहीं, समझ गए कुछ गड़बड़ी है। फिर उन्होंने क्या किया, एक धोबी था, उसने एक जो चिथड़ होता है, हैं, जो सारे पुराने कपड़ा को देख करके एक बनाते हैं बिस्तरा कत्था, उसको सुखा रहा था। सनातन गोस्वामी बोले एक उपकार करोगे, बोले क्या है, बोले कंबल ले लो, तुम्हारा जो चिथड़ है ना इसको गुदड़ी इसको दे दो। बोले क्या मेरे को उपहास कर रहे हो, बोले नहीं उपहास नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। इसलिए उन्होंने बदला करके जब लाए, उसको ओढ़ करके आए ना, महाप्रभु बहुत खुश हुए। बोले सनातन जो सही बद्य होता है ना, उसका बीमारी जड़ से खत्म करता है, जड़ से। इसलिए तुमने ये राज ईश्वर जो छोड़ करके सबके सब आए भजन के लिए, और ये लास्ट क्यों रह जाएगा। वैसे माधुकरी लेकर घर में जा करके दो रोटी मांग कर खाते हो, अब इतने कीमती हाँ इतने कीमती कंबल ओढ़ करके जाओ, दुनिया क्या बोलेगी। महाप्रभु खुश हो गए, हाँ महाप्रभु का भक्त जत वैराग्य प्रधान, महाप्रभु का भक्त बड़े दीनहीन रूप में भक्त लोग रहते हैं, ठाड़ वाड़ से नहीं है, रेशमी कपड़ा पहन करके एकदम मुकुट और शरीर में सेंट लगा करके हैं, एकदम भक्त लोग ऐसे नहीं रहते, सीधा साधा रूप में भक्त लोग का जीवन महाप्रभु देख कर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए तब गुरु जी को देखने के लिए आए, और गुरु जी तो सीधा साधा रहने वाले हैं, हरि नाम करने वाले, सीधा साधा रहने वाले। इसलिए गुरु जी को उनने सोचा गुरु बनाने चाहिए ना, उसको गुरु बना के जो बहुत है, जिनको पास में लाइन लगी हुई होगा, सहज में दर्शन नहीं होगा सहज में उनकी, और दिखाई पड़ रहा है ठीक है। इसलिए जब गुरु जी को पास में आए, एकदम सीधा साधा देख करके उनका तो मन खराब हो गया, बोले इनको क्या गुरु नहीं, ये तो सीधा साधा माला लेकर हरे कृष्ण कर रहे हैं, कोई ठाड़ बाड़ है ही नहीं, इनको क्या हम गुरु बनाएंगे। फिर उन्होंने वापस पर चले गए। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, अरे साधु तो वही है, बहुत बड़े मंदिर में मेहनत होंगे हैं, जहां पर लाइन लगा हुआ होगा, ठाड़ बाड़ होगा, और जिसके पास में खूब धन दौलत हैं, चेले चापाटी आगे पीछे घूमते हुए होंगे, और क्या होगा, बहुत बड़ा पंडित होनी चाहिए हैं, बहुत बड़े पंडित विद्वान होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, हाँ। इसलिए भक्तरा निज, इसलिए कहते भैया कहते भक्तों को ये सब चीज से भक्तों को नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि जो भक्त लोग है ना वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं, हैं? भक्त लोग अपने आप को छुपाना चाहते हैं, अपने आप का महिमा प्रकाश करना नहीं चाहते हैं, क्यों करेंगे तो फिर यहाँ पर कहते, इसलिए जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेदमान बदमान। इसलिए यहाँ पर श्री मैया कुंती कह रही है, बोले प्रभु जिसको पास में चार चीज है ना, चार चीज में एक चीज भी होगा तेरा भक्ति नहीं कर सकता है, एक तो जन्म उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य बहुत ज्यादा पैसा हो है, जन्म श्रुत ज्यादा विद्वान हो, श्री मतलब ज्यादा शरीर की सुंदरता हो। बोले प्रभु भक्ति नहीं करते हैं, दिन अधिका दया करें भगवान, दीनहीन व्यक्ति के ऊपर में भगवान की कृपा होती है, क्यों, कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान, इन लोगों का बड़ा अभिमान है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, बोले भैया वैष्णवों को संतों को पहचानना बड़ा
कठिन है। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज क्या करते थे, पायखाना को अंदर में बैठ कर भजन करते थे, लोग हमें तंग नहीं करे, सहज में नहीं खोलते थे किसको, लेकिन जब देखते थे कोई वैष्णव है तब जाकर खोलते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज क्या करते थे, चार तरफ में मछली का कांटा बिछा देते थे और उसको बीच में बैठ करके भजन करते थे। बोले क्यों, बोले लोग आकर के सोचे ये मछली खाने वाला बाबा है, हाँ ये बाबा मछली इसलिए मेरे पास में आए नहीं, फिर निश्चिंत होकर के मैं भजन कर सकता हूँ, हरि नाम कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भैया ये सब चीज को, ऊपर का चीज को देख करके वैष्णव को तुम पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं जो लोग भक्तों को मूर्ख कहते हैं, दरिद्र कहते हैं, हैं? कहते भैया, कहते उनको कुंभी भाग नरक में गति होती, जो भक्तों को अरे ये क्या दीन हीन होकर रहते हैं, हैं? और इनको पास में दरिद्र है, मूर्ख है, इतने लिखा पढ़ा है ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद कितने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े प्रभुपाद विद्वान थे। उसी समय में ज्योतिष विभाग का जो यूनिवर्सिटी में इनको सर्वोच्च पद प्रिंट इनको हाँ उनको प्रिंसिपल का पद दे रहे थे हैं इनको, लेकिन इन्होंने ज्योतिष विभाग का एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट दे रहे थे, लेकिन प्रभुपाद ने कहा भैया ये ईंट पत्थर को मैंने गिनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो महाप्रभु को द्वारा प्रेरित होकर के महाप्रभु का वाणी को जगत में प्रचार और प्रसार करने के लिए आया हूँ। उन लोगों ने क्या बोले, तथाकथित विद्वान लोग बोले जब तक ये दुनिया में आप रहेंगे ये जो कुर्सी आपके लिए खाली रहेगा, ये कुर्सी में आपके सिवाय और कोई इसमें बैठ नहीं सकते, बैठेगा तो आप ही बैठोगे यहाँ पर। इसलिए जब तक प्रभुपाद थे ना तब तो कुर्सी खाली रखे। इसलिए इनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती मतलब क्या है, कभी सिद्धांत में दूसरे श्री सरस्वती देवी जैसे, इतने विद्व था प्रभुपाद ने। लेकिन उनका जो गुरु बनाया किसको बनाया, अनपढ़ स्कूल में जो गए नहीं कभी है, श्री अक्षर विवर्जिता है, इसलिए जो कुछ भी लिखे बड़े है ही नहीं, लेकिन उनको उनको गुरु बनाया उन्होंने है, उनको उन्होंने गुरु बनाया। क्यों, किस चीज को देख करके, इसलिए शब्दे पारच निष्णात ब्रह्म निपो समाश्रय, उनका जो है उनके अंदर में जो मुख्य क्या बोलते हैं जो स्वरूप लक्षण है, स्वरूप लक्षण क्या है, भगवत भक्ति परायण होनी चाहिए, भक्ति परायण होनी चाहिए। और भक्ति रहेगा तो अपने आप जो तटस्थ गुण ना अपने आप आ जाएगा, ये गुण अपने आप आ जाते उसके अंदर में। जैसे आस्ते भगवत भक्ति अकिंचनाथ सर्व गुण तत्र सुमास देसुरा, जिसको अंदर भक्ति धन आ जाए उसके अंदर में सारी धन आ जाती है। कहते रूप गोस्वामी उदाहरण देते जैसे रानी को पीछे सारे चेले चापटी अपने आप चलती है, इसलिए भक्ति महारानी जहाँ पर भक्ति हृदय में उदय हो जाए सारे गुण उसके अंदर में अपने आप उसके अंदर में सारे गुण आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते भैया वैष्णव को धन दौलत उनको ठाट बाढ़ ये चीज को भक्त के लिए मत देखा करो है इनका। इसलिए श्री बंशीदास बाबा जी महाराज कोई नहीं पहचाने, लोग तो सोचे पागल है, उनको फटो कभी देखा, जटा जुट इतने बड़े बड़े और आधा यहाँ कपड़ा पहने हुए ऊपर कपड़ा नहीं, ऐसे पागल जैसे बैठे हुए, लेकिन केवल प्रभुपाद इनको समझ पाए। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं पहले तो मैं समझता था मैं बहुत बड़ा विद्वान, लेकिन एक समय उन्होंने ऐसे उनको सेवा उन्होंने किया ऐसे के शब्दों बोले बोले मैं कितना दिन तक सोचते रह गया क्या बोलना चाह रहे थे हैं, क्या शब्दों को बोलना चाह रहे थे हम उसको समझ नहीं पाए। भाव दशा में बताया ना उस समय बड़े बड़े विद्वान भी जिनकी क्रियाओं को देखकर समझ नहीं पाते, बड़े बड़े विद्वान समझ नहीं पाते। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे भैया कभी वैष्णव को मूर्ख देख करके दरिद्र देख करके कभी ये चीज को मत देखना, नहीं तो क्या होगा बोले कुंभी भाग नरक में जाओगे। इसलिए कहते वैष्णव चिन्हित ना परे कहार सकति अच्छा है सकल सिद्धि देखा है दुर्गति, उसके पास में सारे सिद्धि है लेकिन साधारण रूप में क्या देखते हैं, महिला कपड़ा पहने हुए घर रहने के लिए है नहीं पागल जैसे रहते, लेकिन पास में सारे सिद्धि। एक समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब थे कुछ लोगों ने सुना भैया ये जो बाबा है ना ये सिद्धि जानते हैं, ये बाबा सिद्धि जानते हैं, कुछ बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं उसी समय, उस समय में जगत में बड़े उच्च शिक्षित लोग
अली बाबा तो कुछ सीधी जानते, चलो कुछ सीधा ही देख करके आएंगे। आकर के जब आए बोले बाबा थोड़ी सी सिद्धाई दिखाओगे, थोड़ा सिद्धि दिखाओगे। इतना बोलते ही वहां पर एक पड़ा हुआ था डंडा, उन्होंने डंडा उठाए और दे मार पृथ्वी को ऊपर में हैं कौ दे मार। उन लोगों ने देखा भैया बाबा को अंदर में क्रोध आ गया है, हम तो सोच रहे थे कुछ सिद्धाई दिखेंगे, ये तो क्रोधित होकर डंडे को पृथ्वी के ऊपर मार रहे हैं। इतने बोले भैया भागो भैया भागो यहाँ। इतने में जगन्नाथ दास बाजी बोले बोले भाग क्यों रहे हो, कुछ सिद्धि देखने के लिए आए ना, मैंने दिखा दिया। बोले क्या है, वो कहाँ पर बैठे हुए, नवद्वीप में बैठे हुए। वो कह रहे हैं वृंदावन में लोकनाथ दास बाबा जी महाराज का जो तुलसी बगीचा में कुछ भेड़िया वो अंदर में घुस करके तुलसी पेड़ खा रहे थे, इसलिए मैंने यहां से उनको भगा दिया। कहाँ, वो नवद्वीप में बैठे हुए, और कहाँ तुलसी बगीचा है, वृंदावन में, कहाँ पर खैरा वन में, वहां पर खदरी वन में, वहां पर तुलसी बगीचा है, और बकरी जा करके तुलसी के पेड़ खा रहे हैं, और नवद्वीप से वो डंडे मार करके यहाँ बकरी को भगा रहे। तो उन्होंने टेलीग्राफ किया है करके बोले थोड़ा आप देख करके यहाँ पर बता सकते हो अमुक स्थान पर कहते कोई तुलसी की बगीचा है और वहां पर ये भेड़िया को किसने भगाया, तो देख सकते हो। किसने जाकर देखा सचमुच से जो भेड़िया के शरीर में जो लोम है ना हाँ कुछ गिरा हुआ और उनका पैर का छाप है। बोले हाँ यहाँ पर कुछ भेड़िया आकर के तुलसी पेड़ खा रहे थे, किसी ने बड़े जोर से मारे और उनका शरीर का जो केस है जो लोम है वो सब नीचे पड़ा हुआ है। कहाँ बैठे हुए और कहाँ, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कहते अच्छा है सकल सिद्धि देखे दुर्गति। उनके पास में सारे सिद्धि रीति सिद्धि वैभव सब कुछ। हरिदास ठाकुर कैसे रहते थे, साधारण रूप में, कई मिट्टी का गुफा में रह रहे थे, कई पेड़ को नीचे रह रहे थे, लेकिन इनके पास में सारे सिद्धि। जब उनको पिटाई हुई 22,000 में, जब किसी तरह से मरे नहीं, बोले भैया अगर हम नहीं मरे, अगर ये हरिदास ठाकुर नहीं मरेगा ना जो मार रहे थे, फिर तो राजा हमें नहीं छोड़ेगा, हमें खत्म कर देगा। कभी ऐसे हो सकता है 5-6 व्यक्ति एक व्यक्ति को 22,000 में पिटाई किए मरे नहीं, कभी हो सकता है, राजा तो मानेगा नहीं। हरिदास ठाकुर ने क्या किया, इनके दुख को देख करके बोले मेरे वजह से तुमको दुख होगा, मैं शरीर छोड़ देता हूँ। बस बैठ गए एकदम ध्यान धारणा समाधि में बैठ गए, ऐसे लगा जैसे शरीर छूट गया है, हैं? लेकिन कुछ नहीं, वो समाधि में बैठे हुए। उनके पास में अष्ट सिद्धि और नवनिधि है, ये सब सिद्धि है। भक्ति जब कोई भक्ति करते हैं अपने आप सारे सिद्धि आ जाती, अष्ट सिद्धि नवनिधि है, उसमें अनिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य हाँ इसीता बसीता हनुमान के पास में था सब था हाँ, इसलिए हनुमान इच्छा करने पर इतने छोटे से होकर जा सकते हैं और इतना विशाल बन सकते हैं। इच्छा कर सूर्य रश्मि को देख करके सूर्य लोक में जा सकते हो, पानी के ऊपर चल सकते हो, पानी के ऊपर में चल सकते हो। जैसे सौभर ऋषि ने क्या किया, उन्होंने 50 राजकुमारी को शादी किया और उन्होंने 50 अलग अलग रूप लिया और ऐसे उन्होंने भवन बनाया। मांधाते ने देखने के लिए गया, भैया ये क्या क्या मेरे 50 बेटियों को लेकर चला गया है, 50 बेटियों को लेकर शादी करके, ये मेरे बेटियां कैसे हैं, कि वो राजा घर की लड़कियां हैं वो सुकुमारी। चल एक बार जाकर देखे तो सही। जब उसने एक घर में घुसा, बेटी को पूछा तू कैसे हो बेटी, बोले पिताजी मैं बहुत खुश हूँ, ये तो कहीं मेरे को छोड़कर जाता ही नहीं कभी, क्योंकि अपना जोग बल में शरीर में कभी हड्डी हड्डी था, लेकिन अपना जोग बल में इतना सुंदर रूप ने रूप धारण किया, अद्भुत। 50 कन्या जो शादी नहीं करना चाह रहे थे आपस आपने लड़ना शुरू कर दिया, बोले मैं शादी करूंगा मैं शादी करूंगा, इतने सुंदर उसने रूप धारण किया है। फिर उन्होंने बोले बेटी ठीक ठाक, बोली मेरे को तो छोड़कर अभी जाता ही नहीं, बड़ा खुश। और राजा मांधाता ने देखा वो राजा है, लेकिन उसकी घर में जो वैभव जो भोग का वस्तु नहीं था वो सौभर ऋषि को घर में देखा, घर में जो दिव्य रत्न हीरे जवाहरात और असरफिया और क्या क्या दिव्य कैसे अद्भुत देखकर बाबारे। फिर उन्हें दूसरे बेटी को पास में गई, बोले बोले बेटी तू कैसे, बोले पिताजी मैं बहुत खुश हूँ, ये तो दिन भर मेरे पास में रहता है कहीं जाता ही नहीं, और उसको 50 राजमहल देख देख करके बोले बाबारे। ये सब है, ये अष्ट सिद्धि नवनिधि कब होता है, कहते जब भक्ति आ जाए ना, जिसके पास में भक्ति धन आ जाए
सारे गुण अपने आप, ये सारे गुण अपने आप उसको अंदर में आ जाती हैं, अलग रूप में उसको संग्रह करने का जरूरत नहीं। इसलिए यहां कह रहे हैं अच्छा है सकल सिद्धि, लेकिन देखा है दुर्गति, इनके पास में सब सिद्धि है, सब सिद्धि, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन देखा है दुर्गति। क्या दिखता है बढ़तियां, पायखाना घर में रहकर भजन कर रहे, मछली कटा कर कांटा बिछा करके उसको बीच में बैठकर भजन कर रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े ही नहीं, खाने के लिए गौर किशोर दास बाबा जी मरकेश खाते थे, जो मार्केट में जो ये होता था ना सब्जी जब खत्म हो जाता जो फेंक रहते सब्जी उसको उठा करके लाते थे और उसको काट काट करके जो बच जाती थी उसको रसोई बना करके ठाकुर को भोग लगाते थे। जब भोजन करते थे ना लगता था जैसे चरपचु चलचप है जैसे खा रहे, क्यों महाप्रभु को भोग दिया, महाप्रभु के पास में वो प्रसाद पा रहे ऐसे। लेकिन इनके पास में सारे सिद्धियां इनके पास में है, सारे सिद्धियां इनके पास में, इसलिए देखे दुर्गति। इसलिए श्रीधर साखी कहते इसका साखी कौन है, बोले श्रीधर, नाम श्रीधर है, साक्षात लक्ष्मी को जो धारण करने वाले, लेकिन भक्ति मात्र नील अष्ट सिद्धि के उपेक्षी, उन्होंने भगवान से सब कुछ देने पर भी भगवान क्या कह रहे हैं, सारे ऐश्वर्य तुम्हें प्रदान करता हूँ, सारे पृथ्वी का राजा बन जाओ, लेकिन बोले प्रभु हमें नहीं चाहिए, हम तो भक्तों की सेवा आपकी दोनों चरण की भक्ति दो। इसलिए भक्त लोग हैं वैभव नहीं दिखा करके दीनहीन बन करके भगवान की भक्ति करना चाहते, क्यों भक्ति में जो आनंद है ना और किसी चीज में वो आनंद है नहीं है, ननाक प्रेष्टम न च पार वेष्टम, कहती पृथ्वी लोक में जो आनंद, इससे आनंद ज्यादा मोहल लोक में, उसमें जो आनंद 100 गुण ज्यादा, तपल लोक में तपल जो उसमें 100 गुण है, ऐसे करते करते 100 गुण को, तो जो मोक्ष लोक में जो आनंद है, जो मुक्ति धाम में, कहते जो सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन भक्त लोग क्या कहते हैं, हमें नरपुनर्भव प्रभु हमें मुक्ति नहीं चाहिए, बोले क्यों, बोले कृष्ण प्रेमानंदे चे आनंद सिंधु, बोले कोटि, बोलो कोटि ब्रह्मानंद नहीं तार एक बिंदु, कहते कृष्ण भक्ति रस समुद्र में जो आनंद है, कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिलाने पर भी उसका एक बूंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते, मतलब भक्ति धन में इतने आनंद, इसलिए दिखते हैं दीनहीन। सुदामा देखो, नाम ही सुदामा है, सुदामा, सुदामा मतलब क्या, जिसके पास बढ़िया दाम, दाम मतलब पैसा, जिसके पास बढ़िया पैसा था, लेकिन ऊपर में क्या दिखता था, दरिद्र दीनहीन दिखता था, दीनहीन, इसलिए कृष्ण देने पर भी वो लेना नहीं चाहता था। जब उन्हें वापस आए ना, राज महल बने हुए, सोने की राज महल, सोने की, लेकिन घर में घुसना नहीं चाह रहे, बोले नहीं प्रभु ये माया में फंस जाऊंगा, लेकिन भगवान क्या बोले, मेरे आशीर्वाद रहते हुए भी माया ग्रास नहीं करेगा। उन्होंने क्या बोले, बोले तभी प्रवेश करूंगा अगर आप मेरे साथ में रहोगे, तो भगवान एक स्वरूप में उनको पास में रहे तभी उन्होंने प्रवेश किया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, कहते मूर्खरा लौकिक ज्ञान ने वैष्णव चिन्हित बारे ना, वैष्णव सकल सिद्धि करतल गत किंतु उदासीन, कहते वैष्णव लोग उनका सारे करतल गत, उनका हाथ को मुट्ठी में है, लेकिन रहते हुए भी सबके सब इस विषय में उदासीन। इसलिए मूर्ख दर्शन है दुर्गति, हाँ कृष्ट जन्म ने है देखने के लिए लगते हैं मूर्ख है, बड़े दुर्गति है, बड़े दुख जैसे दीन ही नहीं रहते, कब कहते नहीं, और भक्ति धन में इसलिए ब्राह्मण और ब्रह्म पीतम वो साधारण रूप में दिखता है, लेकिन कृष्ण प्रेम रस में डूबे रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जत देखो वैष्णवे रे व्यवहार दुख, तक जो प्यार जो है ना बहुत अच्छी अच्छी प्यार है, इस जो प्यार को सब याद करनी चाहिए, जत देखो वैष्णव व्यवहार दुख निश्चय जानियो सही परानंद सुख, जत देखो वैष्णव व्यवहार दुख, कभी जो व्यवहारिक रूप में जो वैष्णव में जो दुख दिखता है वो दुख नहीं, निश्चय जानियो सही परानंद सुख, निश्चित रूप में क्या समझो, ये परानंद आनंद है, परानंद पता, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर पद में थे, रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे, कहा उन्हें 10,000 स्वर्ण मुद्रा उन्होंने दे करके, 10,000 स्वर्ण मुद्रा अभी कितना पैसा होगा बताओ,
एक सोने का कितना कीमत है, एक सोना मतलब एक तोला हो, एक तोला सोना का कितना कीमत है, कितना कितना होगा, 40,000 होगा। आप बोलो 10,000 हिसाब करो कितना होगा, 10,000 हिसाब लगा कितना होगा। उन्हें 10,000 स्वर्ण मुद्रा उन्हें रिश्वत दे करके, रिश्वत दिया उन्होंने नौकरी को छोड़ने के लिए रिश्वत दिया। और रहते थे कैसे, एक एक वृक्षों के नीचे एक एक दिन रहते थे, बगैर नमक के टिकिया बनाकर खाते थे, और एक एक वृक्षों के नीचे एक एक दिन रहते थे, और कांथा किसी तरह से साधारण रूप में कोई कपड़ा पहने हुए ढके निकले, हाथ में कमंडल बास है रह करके दीन रूप। भैया ये क्या चाहने पर रुपया पैसा नहीं रख सकते थे क्या, नहीं रख सकते थे, लेकिन एक एक वृक्षों के नीचे रहते थे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं रूप गोस्वामी से सनातन गोस्वामी बेटे जीव गोस्वामी से और रघुनाथ दास गोस्वामी, वो दिन भर में एक चुल केवल मठा पी करके सारा दिन भजन करते, केवल एक चुल मठा और कुछ है ही नहीं, इतना खाकर भजन करते थे हैं दिन भर में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी नरोत्तम दास राजा की बेटा, साधारण व्यक्ति से राजा घर के बेटे जो नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने कैसे उन्होंने आकर गुरु जी कैसे सेवा की, अपना हाथों से पैखाना साफ करते थे और कैसे दीन रूप में। इसलिए कहते हैं जत देखो वैष्णव और व्यवहार दो, उनका जो व्यवहार रूप में जो दुख दिखता है वैष्णव का, बोले ये दुख नहीं, बोले क्या है, निश्चय जानिय से ही परानंद सुख, निश्चित रूप में जानो वो परम आनंद में रहते, परम आनंद में रहते, क्यों भक्ति रस में डूबे रहते हैं। 24 घंटा हे राधे ब्रज देव गज ललिते हे नंद सुन कुत, श्री गोवर्धन कल्प पाद बतले कालिंदी बन्ने कुत, गोसंतांग मिति सर्वत्र ब्रज पुर खेदर महाविहलो बंदे रूप सनातन रघुजुगो। इसलिए दिन रात हे राधा रानी तुम कहाँ हो, हे ललित तुम कहाँ हो, कभी राधा कुंड कभी श्याम कुंड कभी है गोवर्धन में, राधे दिन रात राधा कृष्ण के विरह में डूबे हुए रहते थे। इसलिए वो दिव्य आनंद, इसलिए यहाँ कह रहे हैं वैष्णवों को ऊपर से देख करके ना दीनहीन रूप में रहते हैं, वो चीज में माफ नहीं करनी चाहिए। हाँ देखो यहाँ पर प्रभुपाद फिर टीका में प्रभुपाद कहते हैं, क्या कहते हैं, भक्त देर बाहर ऐश्वर्य परिवर्त अभाव, जब वैष्णव लोगों को ऐश्वर्य का परिवर्तन में उनकी जो अभाव है, शरीर सुस्त होनी चाहिए लेकिन सुस्त को परिवर्तन में जो असुस्त उनकी है, धन का परिवर्तन में जो दारिद्र है, पांडित का परिवर्तन में जो मूर्खता है, भैया इसको देख करके कभी भी कर्म फलवादी न्याय, जैसे कोई व्यक्ति कर्म फल का अधीन हो करके हैं, जैसे जगत में दुख कष्ट भोग करते हैं, धन नहीं पैसा नहीं बीमारी पड़े हुए रोग ग्रस्त है, कहते भैया कभी भी ऐसे उनको नहीं समझनी चाहिए हैं, कहते नाना विध अभाव पीड़ित व्यवहार की कनक कामनी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा मन करिया, जहरा वैष्णव के दुख ज्ञान करे ताहरे मति भ्रष्ट जानी वे। इसलिए जो लोग वैष्णव लोगों को ऐसे समझेंगे हैं, इसलिए व्यवहार के रूप में इनको पास में कवन कामिनी प्रति नहीं होकर के कैसे जीवन बिता रहे भजन कर रहे, अगर उनको कभी भी ऐसे मत देखा करो, कहते जो व्यक्ति उनको देखेगा ना कहते उनका बुद्धि भ्रष्ट है, कहते इसका प्रमाण किया श्रीधर, प्रमाण किया श्रीधर कैसे साधारण रूप में, हम आगे सुनेंगे महाप्रभु जब उनको घर में गए ना, बोले श्रीधर पानी पिला, लेकिन उनको घर में पात्र ही नहीं, कुछ पानी पिलाएंगे पात्र ही नहीं, एक लोहे का के लोटा है जिसमें छेद है, हैं उसमें छेद है, पानी उनको पिलाने के लिए कोई पात्र ही नहीं, बोले वही पात्र लाओ, छेद केवल एक लोहे की लोटा, बोले उसमें ही पानी लाओ, महाप्रभु उसमें पानी पी, मतलब कितने दीनहीन रूप में कैसे निर्धन रूप में जीवन बिता रहे थे, लेकिन नाम क्या है श्रीधर है, जो लक्ष्मी को जो धारण किए हुए जो श्रीधर नाम है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कभी ऐसे मत किया करो भैया, नहीं तो वैष्णव चरण में हमारी अपराध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अनिंदुक है जे सकृत कृष्ण बोले सत्य सत्य कृष्ण तारे उधारी भी कहले। यहाँ पर एक अच्छी बात बताए, कहते हैं भक्ति करने के लिए हमें कैसे करनी चाहिए, बोले अनिंदुक है जो सकृत कृष्ण बोले है, कहते हैं
जो व्यक्ति अनिंदुक होया, बोले जो व्यक्ति कभी किसको निंदा नहीं करते हैं, अनिंदुक होया, जो सकृति कृष्ण बोले, जो एक बार केवल कृष्ण बोल देते हैं, सत्य असत्य कृष्ण तार उधारी वे चले। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं हम सच सच बता रहे हैं, एक दिन भगवान जरूर उनको उद्धार करेंगे ही। इसलिए तत्व अनुकंपा सुसमिक समान भुंजाम एवात्म कृतम विपाकम, अक्षर करके प्रभुपाद, ये जो श्लोक है ना अक्षर करके प्रभुपाद, अगर जैसे भक्त जीवन में तरह तरह का बाधा विपत्ति आती है, तरह तरह का आती है, अगर कोई प्रभुपाद के पास में प्रभुपाद ऐसे हो गया, प्रभुपाद जीवन में ऐसे हो गया, प्रभुपाद ये अभी क्या करें, प्रभुपाद अक्षर करके यही श्लोक को कोटेशन करके प्रभुपाद भेजते थे, क्योंकि पितामह ब्रह्मा की या हमारे आदि गुरु पितामह ब्रह्मा की ये स्तुति है। इसलिए जीवन में जो कुछ आता है भक्त लोग क्या मानते हैं, आत्मकृतम विपाकम, ये हमारे किया हुआ कर्म का ये फल है। कभी भी किसको ऊपर में दोष कभी नहीं लगता, अमुक वजह से हो गया, अमुक ने ऐसे कर दिया, अमुक ने ऐसे कर दिया, कोई किसी को कुछ नहीं करते हैं। जैसे बीज बोएंगे, अगर नीम का बीज बोएंगे वहाँ कौन सा वृक्ष आएगा, कौन सा वृक्ष आएगा, नीम। अगर केले का बीज बोएंगे तो कौन सा आएगा, केला। अंगूर का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष आएगा, अंगूर। इसलिए हम जैसे बीज बोएंगे ना, बीज बोने का अनुरूप क्या होगा, ठीक ही वैसे वृक्ष आएगा। इसलिए ये श्लोकों को ना सबको याद करनी चाहिए, याद है सबको, सब याद है ना, क्योंकि भक्ति जगत में प्राय करके ना गुरु जी के भक्ति से प्राय करके बाधा विपत्ति आती है, उस समय ना कभी कभी साधक बड़े विचलित हो जाते हैं, अभी क्या करेगा, अभी क्या आगे, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बड़े विचलित हो जाते हैं। अगर ये श्लोक याद रहे ना वो कहीं विचलित नहीं होगा, नहीं भैया जीवन में हमने जैसे कर्म किया कर्म के अनुरूप हम फल भोग कर रहे हैं, इसमें और किसका दोष नहीं है, और किसका दोष नहीं, अपना दोष है। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं जो जीवते स मुक्ति पद दाई भक्त, इसलिए एक अच्छी बात कह रहे हैं, जो जीवित सब मुक्ति पद दाई भाग, कहते मुक्ति मार्ग का पथिक कौन बन सकते हैं, मुक्ति पथ का पथिक कौन बन सकता है, बहुत अच्छी बात बताए। जो जीवित मतलब है, उदाहरण देते हैं कि जैसे पिता की कोई अथा संपत्ति है, पिताजी का अथा संपत्ति को पुत्र को ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब, जिंदा रहते तो मिलेगा, अगर बीच में मर गया पिताजी का पहले ही मर गया फिर वो तो पिताजी का सारा संपत्ति उसको गया, हाथ से गया, उसकी संपत्ति मिलेगी नहीं। इसलिए जो जीवत है सब मुक्ति पद, जीवत मतलब जीवन में जितना दुख कष्ट आने पर भी जो व्यक्ति ये भक्ति मार्ग कभी नहीं छोड़ते हैं उसको कहते जीवत, मतलब चिरकाल भक्ति जगत में जो टिके रहते हैं, जो टिके रहेंगे फिर पिताजी का तो सारे संपत्ति का मालिक तू भी बनोगे, क्योंकि पिताजी का संपत्ति में अधिकार बेटा का, लेकिन बेटे को तभी मिलेगा जब जिंदा रहेगा, मरेगा तो गया उसकी संपत्ति, गया उसका हाथ से। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं जीवन में जो कुछ आए अपना कर्म का फल मान करके भोगते रहो, और क्या करो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, माइक दिया, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
Oh,
महाराज की जय। गौर भक्त गौर।